फ्रेंड नमस्ते। आज हम गेहूं के आटे से नाश्ता बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कटौती लिए हैं, 1 कप गेहूं का आटा लिए हैं। ये 150 ग्राम गेहूं है मेजरमेंट से। ये खाने वाले चम्मच से 2 चम्मच बेसन है, इसको भी इसमें डाल रहे हैं। 1/2 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं। जवाइन है, हाथों से क्रश करके ले लिए हैं, इसको डाल रहे हैं। 1 बड़े चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। सबको हम मिला लेते हैं, अच्छे से हाथों से मल के मिला लेना है। 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा धनिया की पत्ती डालेंगे। जिस कप से आटा लिए थे उसी कप में पानी लिए हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। ये सबको मिला लेते हैं। एक बार पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। थोड़ा सा हाथों में घी लगाएंगे, इसको लेके मिला लेंगे। तैयार कर लिए हैं और 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड 5 मिनट हो गया आटा को रेस्ट करते हुए। अब चलिए इसका पुड़िया हम बेल लेते हैं। पुड़िया बेलने के लिए इसको हम 3-4 भागों में कर लेंगे। 1 बड़ी सी रोटी बेलेंगे, सीट पे थोड़ा सा आटा गेहूं का लगा देंगे, इस तरह इजी रहता है। पूरी जैसे बेला जाता है वैसे नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा बेलना है, इतना ही मोटा बेलना है, पतला नहीं बेलना है। अब 1 गिलास या कटोरी कोई भी लीजिए, इसको साइड का निकाल देंगे। इसको 1 प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। बाकी का भी इसी तरह से बेल लेंगे। फ्रेंड सारे पूड़ियों को बेल लिए हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं, इसको तल लेते हैं। गैस ऑन करके हम 1 पैन रख दिए हैं और ऑयल गर्म होने के लिए रख दिए हैं, रिफाइंड ऑयल है। तो आप पूड़ियों को तल लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, सारे पूड़ियों को तल लिए हैं और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बना है। देखिए एक तोड़ के दिखाते हैं कितना अच्छा बना है। नमकीन पूड़ियाँ क्रंची करारी बनके तैयार है। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूड़ियों को ये अचार, खट्टी मीठी आम का अचार है, इसके साथ चाय के साथ आप सर्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।